नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गेट 1 अक्टूबर से सैलानियों के लिए खोले जा रहे हैं। मराई, चूरना सहित पचमढ़ी में जंगल सफारी करने उमड़ेगी सैलानियों की भीड़। 1 एवं 2 अक्टूबर को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बुकिंग फुल हो चुकी है। अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व घूमने वाले सैलानियों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सैलानियों को घूमने के लिए गेट खोल दिए जाएंगे। इसमें ऑनलाइन बुकिंग जमकर हो रही है, यहाँ तक कि 1 एवं 2 अक्टूबर को बुकिंग फुल हो चुकी है। इस बार जंगल के राजा को देखने का इंतजार कर रहे सैलानियों को टाइगर दीदार पहले की तरह करना है, इसलिए लगातार बुकिंग की जा रही है एवं बफर जोन में जंगल सफारी उन्हें कराई जाएगी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सैलानियों को घूमने के लिए इस बार 3 नई बोट मिलेगी। तवा नदी के बैक वाटर में बोटिंग करने का मौका मिलेगा, इसलिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने इस बार सैलानियों के लिए 3 नई बोट तैयार की है, जिसमें सैलानियों को तवा नदी के बैक वाटर से जंगल सफारी कराई जाएगी। नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा बैतूल की सीमाओं तक 2133.30 वर्ग किलोमीटर में फैले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सैलानियों को जंगल सफारी कराई जाएगी। टाइगर रिजर्व में जैसे पूरा प्रदेश में जो पर्यटन 1 अक्टूबर से चालू हो रही है, उसी प्रकार सतपुड़ा में भी जो मढ़ई चूरना इन दोनों जगह से हमारा 1 तारीख को टूरिज्म प्रारंभ हो जाएगा। सो इसके लिए जो तैयारियां हैं, जो हमारा रेस्ट हाउसेस का फिर फॉरेस्ट रोड्स हैं, इन सब का जो रिपेयर है, सुधार है, ये सारा काम अब हम लोग प्रारंभ कर दिया है। 1 तारीख के पहले सब तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जो अभी जो ऑनलाइन बुकिंग अभी चालू हुआ है, जो बुकिंग को देखते लग रहा है कि प्रथम वीक में 2-3 दिन ऑलरेडी जो मढ़ई का पूरा बुकिंग हो चुका है, पहला पर्टिकुलरली 1 अक्टूबर का है। सो इसके अलावा जो इस बार मढ़ई में हम लोगों ने इको टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से 3 बोट्स लाया है, ये तीनों बोट जो बोटिंग करने के लिए हम उपयोग करेंगे, इससे पर्यटक ज़्यादा यहाँ बोटिंग सुविधा मिल सकेगा। किस क्षेत्र में चलाई जाएंगी ये बोटें? ये मढ़ई क्षेत्र में हम लोग बोट सफारी के लिए यूज़ करेंगे इसको।